जय हिंद। वंदे भारत डिफेंस चैनल में मैं आपका मित्र अजिंक्य तिलक सिंह राजपूत सच्चे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी असल वजह क्या है, इसके सच्चाई का मैं आज पर्दाफाश करूँगा। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हमला है। ये कोई कश्मीर की आज़ादी या पत्थरबाजों पर किया हुआ अत्याचार या कथित तौर पर हमारे भारतीय आर्मी द्वारा किया गया मानवाधिकार का उल्लंघन, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें जो मीडिया द्वारा फैलाई गई है, ये प्रोपोगंडा के तहत किया गया हमला नहीं है। ये है गजवा ए हिंद का खूनी चेहरा, जिसके तहत इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या कहो जिहादी आतंकवादी ताकतों ने हमारे भारत के पीठ पे छुरा भोंका है। ये सिर्फ हमें मिटाना नहीं चाहते, ये हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। और तो और भारत का अस्तित्व नष्ट करने पे ये आमादा है। मैं सिर्फ गप्पबाजी नहीं करूंगा, पूरे सबूत आपके सामने पेश करूंगा। मित्रों, आज का विषय शुरू करने के पहले मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी भी जाति, धर्म, पंथ या विचारधारा के विपरीत जाकर मजहब की निंदा करना या द्वेष फैलाने का नहीं है, ना ही राजनीतिक हेतु साधने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाना है, ना ही मैं किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने की मंशा रखता हूँ। मेरा एकमात्र जो उद्देश्य है वो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक सच्चा भारतीय होने के नाते आपको जानकारी होना जरूरी है कि हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनका क्या कुटिल कारस्थान चल रहा है। वो हमारे देश को तोड़ने तथा बर्बाद करने की जो दुष्ट इच्छा संजोए हुए है, ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी तथा अपने देश की रक्षा करें। इस चैनल के माध्यम से मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने निजी स्वार्थ के चलते देश को दांव पर न लगाएं। ये जो लोग गद्दार है वो कहते हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, छीन कर लेंगे आज़ादी, लड़ कर लेंगे आज़ादी, ऐसों का समर्थन करने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर लोग तथा बिकाऊ मीडिया, अब तो शर्म करो। अपने लालच के चलते देश का सौदा मत करो। उन्होंने मंसूबा बना के रखा है कि जो लाल किले पे जो तिरंगा लहरा रहा है उसे नोच कर जो आईएसआईएस का नापाक झंडा है वो भी गजवा ए हिंद के तहत वहां पे वो गाड़ेंगे और हमारा सर शर्म से झुकाएंगे। पुलवामा में जो कायराना आतंकी हमले को अंजाम देने वाला दरिंदा आतंकी अदील अहमद डार, जिसने भारत माँ के सच्चे सपूतों को शहीद करने का कायराना तथा घिनौना कार्य किया है, उसी को जो बिकाऊ मीडिया है वो मासूम हेडमास्टर जी का बेटा, धोनी जैसा क्रिकेटर बनने की इच्छा रखने वाला एक बालक तथा मजलूमों पे हुए अत्याचारों को देख कलम छोड़कर हथियार उठाने पे मजबूर हुआ एक मसीहा, ऐसा वैसा कह के हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पहले उसने जो मरने के पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसको देखे, फिर अपनी राय रखें। ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा था तो मैंने इसको एडिटेड करके आपके सामने पेश किया ताकि उसके बातों का निचोड़ आप समझ सकें। वो आपको अपनी तहजीब के रंग में रंग कर इस्लाम की खूबसूरत तहजीब से महरूम करना चाहता है। अपने किरदार को बेदाग रखो ताकि जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजर रहे। और ए हिंदुस्तान के नापाक मुशरिको, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। ए नापाक मुशरिको, याद रखो हमारा ये जिहाद गजवतुल हिंद की मुबारक कड़ी है जिसे तोड़ना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। हाँ अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर तुम्हारे शिर्क समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजोरी जहाँ तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। अगर ये वीडियो आपने गौर से देखा होगा
तो आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि आदिल अहमद डार ये एक जैश ए मोहम्मद का ट्रेंड आतंकी है और उसका कश्मीर के आजादी से कोई संबंध नहीं है। उसको जो है यही कहना है कि उसका मुकाबला करने की औकात या ताकत जो है वो गाय का मूत्र पीने वाले मूर्ति पूजक या कहे काफिरों के बस में नहीं है। वो भारत जैसे महान देश को बर्बाद करके सीरिया या इराक जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट देश बनाने पे वो आमादा है और जो भी कुछ कर रहा है वो गज़वाए हिंद के तहत कर रहा है। ए नापाक मुशरिको, याद रखो हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है। अब एक दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें कश्मीरी लोकल हीरो जो लश्कर का कमांडर रह चुका है बुरहान वाणी, उसके वीडियो से आप कहानी आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो अब मजलूम की बारी है, की जंग से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। लाल किले पर सबसे लाली परचम ही लहराएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है, आज तो ही कश्मीर लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो अब मजलूम की बारी है। मित्रों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि इस हरामजादे ने भारत को बर्बाद करने के भाषा का प्रयोग किया है। कैसे वो कहता है कि काफिरों को इस्लामिक बेड़ियों में जकड़ कर रखेंगे। काफिरों का मतलब हिंदू नहीं होता है, काफिरों का मतलब सर्वधर्मीय लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिख, जैन तथा बौद्ध। अगर आपको यकीन नहीं आता तो याद कीजिए विश्व प्रसिद्ध बामियान की जो विशालकाय बौद्ध प्रतिमा जिसको तालिबान ने नष्ट किया, तो समझ लीजिए ये मूर्ति पूजकों के कितने खिलाफ है। अब हम इस आतंकी गाने को विश्लेषित करेंगे और बताएंगे ये गाना कितना बड़ा फरेबी है। आतंकी खुद को मजलूम कहते हैं। मजलूम का मतलब पीड़ित या जिन पे जुल्म ढाया गया हो। कहीं से आपको ये मजलूम लग रहे हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जंग हमारी जारी है, मतलब जो आग कश्मीर में लगी है उसे उन्हें पूरे हिंदुस्तान में लगाना है। लाल किले पे जो तिरंगा लहरा रहा है उसे नोच कर सब्जे इलाही परचम लहराना है, मतलब बांग्लादेश के बदले पूरे हिंदुस्तान को इनको इस्लामिक स्टेट बनाना है। इन्होंने और भी एक चीज कही है कि आज कश्मीर लेंगे शहादत के बल पे, कल दिल्ली की बारी है, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये है गज़वाए हिंद की असल सच्चाई। पत्थरबाज मासूम होते हैं, ऐसा सोच रखने वाले लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पत्थरबाजी हमारे देश के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया हथियार है। बेसिकली हमारी आर्मी किसी आतंकी को छोड़ती नहीं। आतंकी का डेफिनेशन है जिसने हथियार उठाया है, लेकिन पत्थर किसी हथियार के श्रेणी में आता नहीं। तो इसीलिए पत्थरबाजों पे हमारी आर्मी गोलियां नहीं चलाती। इसका गलत फायदा लेते हुए वो आतंकियों को वहां से छुड़ाते हैं, उनको छुपाते हैं या उनको भगा देते हैं। और इसका खामियाजा हमें हमारे लोगों के जानों से गुजारना पड़ता है। ये कोई फ्री सर्विस नहीं है, उन्हें अच्छे से पेड किया जाता है। 250 से 2500 तक उन्हें मुआवजा दिया जाता है और उन्हें बरगलाया जाता है और कहा जाता है कि आप खुदा के खिदमतगार हो। इनका इलाज था पैलेट गन, लेकिन हमारे ही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्होंने मानव अधिकार की श्रेणी में इसको लाकर पैलेट गन को बैन किया, जिससे आतंकवादियों को काफ़ी फायदा पहुंचा है उस चीज़ का। क्यों, हमारे जवानों का कोई मानव अधिकार नहीं है जो सरहद पे अपने प्राणों की परवाह करे बिना हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं? उनकी कोई फिक्र नहीं है आपको? मैं इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सेक्युलर विचारधारा के लोगों से एक ही सवाल पूछना
पूछना चाहता हूँ। बहुत आसान है कि पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी में अपने एसी बेडरूम में बैठ के जवानों के खिलाफ ट्वीट करना। कितना बड़ा आपका जिगरा है, बॉर्डर पे जाइए और वहाँ ऐसी हिमाकत करके दिखाइए। अरे ये आतंकी किसी के सगे नहीं है, दो चार पैसे क्या मिल जाएंगे, वो आपके जिस्म की बोटी तक नहीं छोड़ेंगे। और इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप देश की इंटीग्रिटी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो जानेंगे क्या है गजवाए हिंद। ये गाजी शब्द से बना हुआ है। गाजी ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जबकि ये पदवी है उस व्यक्ति की जो इस्लाम के खातिर धर्म युद्ध पर निकला है। इसी गाजी से अरेबिक वर्ड बना है गजवात, मतलब जिहाद या इस्लामिक धर्म युद्ध। और इसी गजवात से बना है गजवा ए हिंद, मतलब हिंदुस्तान पर इस्लामिक जो राष्ट्र बनाने के लिए जो एक धर्मयुद्ध छेड़ा गया है, मतलब हर वो कोशिश जिससे भारत का अपना सार्वभौम होकर वो एक इस्लामिक स्टेट बन जाए, उसे कहते हैं गजवाए हिंद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद, जमाते इस्लामी, हरकतुल अंसार, लश्कर ए तोयबा, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान तथा आईएसआईएस, इनके जो आतंकी शिविर होते हैं, इसमें जो एक पैटर्न होता है, मतलब जिस पैटर्न पे काम करते हैं, वो पैटर्न ही है गजवाए हिंद, मतलब भारत को बर्बाद करने के अलग अलग मंसूबे। अरे 1971 में जो भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें भारत की आईएनएस जो विक्रमादित्य को गिराने के लिए या नष्ट करने के लिए जो पनडुब्बी भेजी गई थी, उसका भी नाम तो गाजी था। मतलब हर वो युद्ध भारत को के खिलाफ जो लड़ा जा रहा है, वो उनके लिए एक धर्म युद्ध है। और पाकिस्तान में जितने भी मौलाना उलेमा है या जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो गजवाए हिंद के समर्थक हैं। गाजी शब्द को काफ़ी सम्मान पूर्व लेते हैं। ये जो हाफिज सईद हो गया या मौलाना मसूद अजहर हो गया, इनके जो भाषण है, इसमें गजवाए हिंद का उल्लेख किया गया है। और मैं आपके सामने कुछ वीडियो पेश करता हूँ जिसमें ऐसे ही लोगों ने अपने मंसूबे उजागर किए हैं। हिंदुस्तान, सिंध यानी पाकिस्तान और फिर चाइना फंसा होगा। हिंद सिंध यानी पाकिस्तान और चाइना, चीन भी फंसा होगा। ये पूरा खिता फंसा करेंगे मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर और हिंदुस्तान के बादशाह पाबंद सलासल किए जाएंगे, जंजीरों में जकड़ कर बैतुल मक़दस में हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के तख्त के सामने पेश किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम और मादी अलैहिस्सलाम उस तरफ जिहाद में मसरूफ होंगे और उनका भेजा हुआ लश्कर गज़वाए हिंद में मसरूफ होगा। बाकी यह है कि एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि मेरी उम्मत के दो लश्करों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया है। एक वो लश्कर है कि जो हिंद पर हमला आवर होगा और एक दूसरा लश्कर वो होगा जो हजरत ईसा के साथ जाकर खड़े होकर और दज्जाल का मुकाबला करेगा। ये दो लश्कर है और ये एक वक्त की बात नहीं, ये नहीं कि वही लश्कर जो है उस हिंदुस्तान को फतह करेगा और वही फिर जाकर इस फिलिस्तीन को आजाद कराएगा। नहीं, ये दो लश्कर अलहदा है। असल मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है गजवा हिंद का गैरजन है। गैरजन में कुछ और नहीं होता, गर्दन में एफिल टावर नहीं बनता होता, ठीक है, गर्दन में स्काई स्क्रेपर नहीं बनते होते, गर्दन में एटम बम भी बना करता है। और वो एटम बम आप अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इतनी ताकत इसलिए बनाया है कि कल को इस खत्ते ने बुनियादी तौर पर उस दूसरे खत्ते के साथ लड़ाई करनी है। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था, अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि गजवाए हिंद लड़ना है। हुजूर की इस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुवत बनना था। यह पाकिस्तान के बनने की वजह है, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है, उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है,
इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे, हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खुश नसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुश नसीब, नसीब का हिस्सा है कि दो गुरुओं को अल्लाह ने आग से बचा लिया है, नंबर एक जो ग़ज़वे हिंद में शामिल होंगे और नंबर दो ईसा इब्ने मरियम के साथ जो लोग शामिल होंगे। इसमें भी इशारा मिल रहा है कि क़ुर्बे क़यामत में कोई मामला होगा। तो इस तरीके से वो मोहम्मद बिन कासिम अपने ऊपर लगाता रहा, उसके बाद महमूद गज़नवी अपने ऊपर लगाता रहा, लश्कर तैयबा अपने ऊपर लगा रही है। ओ भाई ये क़ुर्बे क़यामत में होना, वल्लाहु आलम ये किसके ऊपर फिट होती है। ये सारी गल बड़ी सिंपल है, इसे बड़ा में कोई मकसद ही नहीं है। अगर इधर करदार है इसका मकसद ही वजूद पाऊंगा गज़वे हिंद अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, ये कहाँ जाएंगे तो हम बतला देते हैं ये ग़ज़वाए हिंद के लिए कश्मीर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। हदीस मुबारका में इसको ग़ज़वा हिंद कहा गया है। खुश नसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने ग़ज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता फिर उसके नसीब में बदनसीबी और जिल्लत लिख दी गई है और उसका फैसला मुसलमानों की तलवारें करेगी। मुझे आपसे कहना है, राष्ट्रहित ही सर्वोत्तम है। राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा। धर्म के नाम पे देश तोड़ने वालों, ऊपर वाला भी कभी आपको माफ नहीं करेगा। जिस थाली में खाना है उसमें छेद करना, ये सबसे बड़ा हराम है। रसूल ने भी कहा था, इबादत करो अल्लाह से, तौबा करो उस गुनाह से। वतन परस्ती एक जज्बा है और वतन के साथ गद्दारी ये हराम है। जिस जगह या जिस देश में रहोगे वहाँ दूध में चीनी की तरह घुल मिल रहना, अगर नमक बनने की कोशिश करोगे तो दूध को ख़राब कर दोगे। मुझे ये आतंकी गद्दारों के बारे में एक चीज़ कहनी है, क्या इनको इस्लाम का असल में इल्म है? क्या जानते हैं इस्लाम की नींव इंसानियत पर है? अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे अपने गुनाह से तो जन्नत नसीब होंगी। अगर जिहाद करना है तो अंदर के शैतानों से करो। हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है, काम क्रोध मद मोह मत्सर, ऐसे ही जो इंसान के दुश्मन है वो इंसान के भीतर है, इसके खिलाफ जिहाद करना ये कहा गया है। इंसान खुदा की एक बेहतरीन तखलीक, जिस समय इंसानों को बनाया खुदा ने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदे करने का, और इन बेहतरीन तकलीकों को नष्ट करने का घिनौना काम कर रहे हो आप। कयामत के रोज ऐसा घिनौना काम करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं कहता, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भारत का जो तिरंगा है हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, ये किसी धर्म का या जाति का प्रतीक नहीं है, इस पर सभी धर्मों का बराबर हक है। अगर कोई एक रंग इस तिरंगे से हट जाएगा वो तिरंगा तिरंगा नहीं रहेगा। किसी शायर ने भी खूब कहा है, ए अल्लाह वालो ए राम वालो, ए अल्लाह वालो ए राम वालो, सियासत से अपने वतन को बचा लो, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज रोज नए झंडों में डंडा फंसाने वालों। आखिरी एक बात कहूंगा, जरा गौर से सुनना। ना मस्जिद जानता है ना शिवाला जानता है, ना मस्जिद जानता है ना शिवाला जानता है, वो भूखा बच्चा बस निवाला जानता है। अपने देश को बर्बाद होने से बचा लो। जय हिंद।